तो हे फ्रेंड, दिस इज अमन सक्सेना एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल अमन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ जो शायद आपके दिमाग के तोते उड़ा दे, क्योंकि ऐसी चीज आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, और अगर आपने सुनी भी होगी तो उसके सारे ही कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एस्ट्रल ट्रैवलर के बारे में, और आपके सपने एक ऐसी अनोखी चीज जिसके जरिए आप अपनी बॉडी से बाहर निकल के पूरी दुनिया घूम सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ही रियल चीज है, और इसमें कुछ वैज्ञानिक ने अपने तर्क भी साबित किए हैं। आप गूगल पे सर्च करना एस्ट्रल ट्रैवलर, तो आपके पास ऐसे बहुत सारा ब्लॉग आ जाएंगे जिन लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवलर सच में किया है, और वो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो चलो वीडियो एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि एस्ट्रल ट्रैवलर होता क्या है। देखो, एस्ट्रल ट्रैवलर एक टेक्निक है जिसके जरिए आप अपनी बॉडी से बाहर निकल सकते हो। ये अभी आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन वीडियो के एंड तक आपके सारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे और आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक ऐसी भी चीज़ होती है दुनिया में जो हमें नहीं पता। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवलर क्या होता है। देखो, एस्ट्रल ट्रैवलर इसका मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी से बाहर निकल जाओ और पूरी दुनिया को घूम लो। मतलब आप अपने बॉडी से बाहर निकलकर खुद को भी देख सकते हो, और आपके स्कूल में एग्जाम में कौन सा पेपर आ रहा है आप वो भी देख सकते हो। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूं। एस्ट्रल ट्रैवलर के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर दो बॉडी होती हैं, एक तो वो बॉडी जो हम देखते हैं मतलब फिजिकल बॉडी, और एक होती है सटल बॉडी जो सिर्फ आपके शरीर के अंदर पाई जाती है। ये फिजिकल बॉडी हमारी सॉलिड होती है, लेकिन वो बॉडी सॉलिड नहीं होती है, वो सटल बॉडी होती है जिसको हम आमतौर पर बोल सकते हैं आत्मा, स्पिरिट, सोल। ठीक है, तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर बाउंडेशन होते हैं हमारे पांच सेंस के, लेकिन जो हमारी सटल बॉडी है मतलब जो हमारी आत्मा है उसमें किसी भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होती है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, और वो किसी भी डायमेंशन में जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकती है। दुनिया में बहुत ज़्यादा, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डायमेंशन है जो क्वांटम फिजिक्स के जरिए हमें हल्के हल्के पता चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आप सपने देखते हो, आपने रात को कोई सपना देखा, आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन गए हो, या आप कुछ भी बन गए, या आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो वो सच में ही होता है, लेकिन आप अभी इस डायमेंशन में हो तो वो किसी और डायमेंशन में होता है। तो ये बात बिल्कुल ही सच है, और ये एक साइंटिस्ट ने पता भी लगाया था। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा डायमेंशनल होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी दिमाग की सीमा होती है वो सब कुछ सच होता है। ये बात आप जान लो, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि सपने सच होते हैं। हाँ, सपने सच में ही सच होते हैं, क्योंकि हमारे डायमेंशन में, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप अभी किसी और डायमेंशन में खाना खा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। यार, आपने डोरीमोन देखा होगा, उसमें आपने मिरर वर्ल्ड के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता था कि नोबिता और डोरीमोन उसको लेके जाते थे मिरर वर्ल्ड में, और वहाँ पे जो यहाँ पे लड़का होता था वहाँ पे लड़की हो जाते थे। लेकिन ऐसा तो मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे लड़की हो तो वहाँ पे लड़का हो जाओगे, या आप यहाँ पे लड़का हो तो आप वहाँ पे लड़की हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मिरर वर्ल्ड था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ कि दुनिया में कितने ज़्यादा डायमेंशन है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड है। तो अभी जिस हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं, तो मे भी इस ब्रह्मांड में हम गरीब हैं या अमीर हैं या जो भी हैं, और हम किसी दूसरे डायमेंशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, या हम कोई भी सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही सच है। एस्ट्रल ट्रैवलर के बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। एस्ट्रल ट्रैवलर में टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। मतलब वहाँ पे अगर आपने रात के 10 बजे एस्ट्रल ट्रैवलर शुरू किया और आप 5 घंटे एक्सप्लोर करके आए, और जब आपने दोबारा बॉडी में एंट्री ली, तो आप जब टाइम देखोगे तो आपके हिसाब से टाइम 3 बजे होना चाहिए, लेकिन टाइम होता है सिर्फ 10:05 या 5 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा बस। और इसलिए एस्ट्रल ट्रैवलर में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एस्ट्रल ट्रैवलर होता क्या है, कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल के कुछ भी देख सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, और आप किसी और दुनिया में भी जा सकते हो। आप सिर्फ इसी दुनिया में नहीं रह सकते, जैसे कि आपने जन्नत, हेवन, हेल, नर्क का नाम तो सुना ही होगा, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो ये होता है एस्ट्रल ट्रैवलर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवलर आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप कैसे कर सकते हो। और एक बार सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये कोई मजाक नहीं है, और इसको सब लोग कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यार प्रैक्टिस करोगे ना
तो आपसे एक ना एक दिन ज़रूर ही होगा। अगर आप करना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो एक ऐसी चीज़ का, अगर आप दुनिया में रह रहे हो तो यार आपको करना ही चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अननोन चीज़ है जो हमें नहीं पता, शायद आपको ये चीज़ भी नहीं पता होगी, और मैं ऐसी भी चीज़ आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो यार उसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं और वो सबके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एक कॉमन तरीका है जो मोस्टली सब लोग उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। मैं मेडिटेशन करना नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने बेड पे, ये बेड पे नीचे कहीं पे भी लेटना होगा, लेकिन ऐसी जगह पे लेटना होगा जहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ही सीधी रहे, मतलब बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल ही सीधी रहे, ठीक है। और आपको अपनी आंखें बंद करके, आंखें नहीं खोलनी है, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देना, मतलब आपकी सांस की आवाज़ पे कि कैसे कैसे उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स फील करेगी और आपको मे बी नींद भी आने लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने दिमाग को जागृत रखना है, मतलब आपको कॉन्शियस रहना है, आपके अपने दिमाग को कॉन्शियस रखना है, आपको अपनी बॉडी को सुनने देना है। ये कहने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, आपको बस दो तीन अगर आप बार ट्राई करोगे तो आपको बाद में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने सांस पर ध्यान दोगे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी और आपको हल्के 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 करके नींद आने लगेगी। लेकिन आपको उसी टाइम पे ध्यान देना कि आपको सोना नहीं है, सोने से आप तो बिल्कुल सो ही जाओगे, फिर सुबह उठोगे अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो आज तक ट्रैवल करने बैठा था। तो आपको सोना नहीं है, आपको अपने दिमाग को कॉन्शियस रखना है। तो जैसे जैसे आपको अपने सांस पे ध्यान दोगे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करने लगेगी, तो आप जब थोड़े टाइम के बाद, मतलब आफ्टर 15 मिनट्स आपकी बॉडी में हल्के हल्के वाइब्रेशंस होंगे, तो आपको ज़रा सा भी डरना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो एस्ट्रल ट्रैवल की फर्स्ट स्टेज है। तो आपको हल्के हल्के वाइब्रेशन हो गए और वो वाइब्रेशन टाइम टू टाइम जैसे 15 से 20 मिनट हो गए, तो वो वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे और फिर सडनली आप देखोगे कि आप ऐसा फील करोगे, आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्का हल्का फील करोगे और आप फिर खुद देखोगे कि अरे ये तो मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और आप यहाँ पर ऊपर टंगे होंगे, मतलब आप अपनी बॉडी से बाहर निकल सकते हो, निकल जाओगे और आप फिर जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन बस ये है, जब आपके अंदर वाइब्रेशंस होंगे तो वाइब्रेशन में आपको हिलना भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं हिलना है, और वहाँ पर जैसे ही आप निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देंगी, और वो आवाज़ें यहाँ की रिम की नहीं, किसी और रिम की होती हैं, जहाँ पे आपका पैलर स्पेस होता है या जो पैलर यूनिवर्स होता है वहाँ की आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो यार ये इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है और आप कर सकते हो। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, जब मैंने सुना था तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये क्या मजाक है, लेकिन सच में ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो और बहुत से लोगों ने करा भी है। आप जाके करना, गूगल करना, आपको बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस पता चल जाएंगे। लोगों ने तो ये भी कहा है कि मैंने अपने घर पे, मतलब मैं उठ गया तो मैंने अपने किसी दूसरे यूनिवर्स में भी गया, मतलब वो जन्नत में भी गया, वो नर्क में भी गया, वो ये भी कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को देखा है कि वो पूर्वज कैसे रहते हैं। तो एक तरह से आप सबको टाइम ट्रैवलर भी कह सकते हो, लेकिन असल में ये टाइम ट्रैवलर नहीं है, तो उड़ गए ना आपके दिमाग के तोते। तो ये होता है एस्ट्रल ट्रैवलर। तो इसमें आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, यही एक इसका कॉमन रूल है। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना और बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, आप एक्सप्लोर कर सकते हो पूरी दुनिया को, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि मैं आपके जो दिमाग के सारे कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे यार, अगर बाई चांस हमने ऐसा ट्रैवल कर भी लिया, मतलब हम अपनी बॉडी से बाहर आ भी गए, तो फिर हम वापस कैसे आएंगे, मतलब आप बहुत दूर चले गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पे आपका मन करेगा आप वहाँ पे चले गए, ट्रेन में बैठ के नहीं जाना है, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, और आपको डिस्टेंस पता भी नहीं चलेगी। तो उसके बाद अब आप सोचोगे यार मैं तो इतना दूर आ गया, मैं अपने घर पे कैसे जाऊँगा और जो मेरी बॉडी पड़ी है मैं उसके अंदर कैसे जाऊँगा, तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे ही अपनी आँखें खोलोगे, मतलब आप जैसे ही कॉन्शियस स्टेज पर आओगे, आप जैसे ही अपनी आँखें खोलोगे आप ये पाओगे कि हाँ यार आप अपने बॉडी में आ गए हो। ये सच में आपको जादू लग रहा होगा, लेकिन ये जादू नहीं है, ये एकदम साइंटिफिक रीज़न है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा तर्क भी है, जो आप गूगल पर जाके पढ़ सकते हो कि ये कब हुआ, किसने कैसे शुरू किया, और गूगल और यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस हैं एस्ट्रल ट्रैवलर के बारे में। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना, वो लाल वाला आ रहा है उसको दबा देना, वो गोला आ रहा है जो गोला मैं डाल दूंगा उसको भी दबा देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। सो थैंक यू वेरी मच।